हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशल लाइफ पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अब से जो क्वेश्चन होंगे वो यूपी पीजीटी को टारगेट करके क्वेश्चन होंगे, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, कोई भी समाज पूरी तरह से विचलन से मुक्त नहीं हो सकता। और कारण है विलोमता और अनुरूपता, समाज में चल रही प्रक्रियाएं हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कोई भी समाज पूरी तरह से विचलन से मुक्त नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि विलोमता और अनुरूपता समाज में चल रही प्रक्रियाएं हैं। विलोमता मतलब संघर्ष, अनुरूपता मतलब सहयोग। संघर्ष और सहयोग ये समाज में चल रही प्रक्रियाएं हैं। इसीलिए कोई भी समाज विचलन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी समाजों में एकीकृत करें जिससे उन्हें एक कट्टरपंथी या क्रांतिकारी ताकत बनने की संभावना कम हो जाती है, यह कथन किससे संबंधित है? राजनीतिक दल, रुचि के समूह, व्यापार संघ, पीयर ग्रुप। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी समाजों में एकीकृत करें जिससे उन्हें एक कट्टरपंथी या क्रांतिकारी ताकत बनने की संभावना कम हो जाती है, यह कथन किससे संबंधित है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, व्यापार संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास का दूसरा चरण 1885 से 1905 तक इसकी विशेषता है। उद्योग का विकास, समाजवाद का विकास, किसानों की भागीदारी, घर का नियम। राइट आंसर बताइए। ए आर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास का दूसरा चरण क्या था? दूसरे चरण की अवधि थी 1885 से 1905 तक। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, उद्योगवाद का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है होमो हायरार्किकस, ये है लुईस ड्यूमा का। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस का है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये है योगेंद्र सिंह का। और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जी एस घुरिए का है। तो इसमें राइट आंसर है 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। होमो हायरार्किकस, लुईस ड्यूमा, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जी एस घुरिए। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। भारत में दहेज हत्या की समस्या आमतौर पर उभरते शहरी मध्यम वर्ग के बीच प्रचलित है। और कारण दिए गए, विरासत का कानून भारत में महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। ए और आर दोनों गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राइट आंसर बताइए। भारत में दहेज हत्या की समस्या आमतौर पर उभरते शहरी मध्यम वर्ग के बीच प्रचलित है, ये ऑप्शन सही है।
विरासत का कानून भारत में महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ये ऑप्शन गलत है, ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। चक्रीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत, विचारकों में कार्ल मार्क्स और डेरेंडाफ ए टाइनबी, किंग्सले डेविस और मूर, अगस्त कॉम्टे। और ऑप्शन दिए गए हैं 3, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें राइट आंसर है चक्रीय सिद्धांत टाइनबी का है, रेखीय सिद्धांत ये है अगस्त कॉम्ट का, द्वंद्वात्मक सिद्धांत कार्ल मार्क्स और डेरेंडाफ का है, कार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस और मूर का है। तो इसमें राइट आंसर हो गया 2, 2, 4, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर एक नई नीति के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाया गया। स्कूल पाठ्यक्रम में हिंदी को शामिल करना, स्कूल पाठ्यक्रम में संस्कृत को शामिल करना, स्कूल पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को शामिल करना, स्कूल पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम को शामिल करना। राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा पर एक नई नीति के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाया गया। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, स्कूल पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए सकल घरेलू उत्पाद अधिक दर से बढ़ाना सामाजिक विकास का सही संकेत नहीं है, केवल जीडीपी में वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन विभिन्न स्तरों के बीच वितरण का इसका प्रतिरूप नहीं है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। सकल घरेलू उत्पाद अधिक दर से बढ़ना सामाजिक विकास का संकेत नहीं है, यह ऑप्शन सही है। केवल जीडीपी में वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन विभिन्न स्तरों के बीच वितरण का इसका प्रतिरूप नहीं है। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करता है, विसरणवादी, विकासवादी, कार्यानुरूप, उपरोक्त सभी। कौन सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, विकासवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ अवधारणा दी गई, दूसरी तरफ विचारक हैं, और ऑप्शन में है 1, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 2। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ब्रीचिंग प्रयोग, ये है गॉरफिंकल का, लाइफ वर्ल्ड अल्फ्रेड सोच का है, ड्रामाटर्जी गॉफमैन का है, सोशल कंस्ट्रक्शन बर्जर और लकमैन का है। तो राइट आंसर हो गया 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है, ब्रीचिंग प्रयोग या ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट गॉरफिंकल का है, लाइफ वर्ल्ड अल्फ्रेड सोच का है, ड्रामाटर्जी गॉफमैन और सोशल कंस्ट्रक्शन बर्जर और लकमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की शुरुआत बयानबाजी वाले सवाल
हु नाउ रीड्स स्पेंसर से हुई दुर्किम पार्सन्स बेबर पैरेटो। तो ये बुक है पार्सन्स की, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। पार्सन्स की बुक है ये बुक, इनकी 1937 में आई थी। तो ये बुक जब इनकी है तो ये जो कथन कहा गया है तो पार्सन्स के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन सेकंड इसके इसमें राइट आंसर है। और ये बुक इनकी 1937 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या के लिए दुर्खीम का अध्ययन हमें समझने में मदद करता है। व्यक्ति पर समाज की पकड़, समाज पर व्यक्ति की पकड़, विभिन्न समाजों की आत्महत्या की दर, किसी समाज के सामाजिक एकीकरण की डिग्री। ऑप्शन में है 2 और 3, 1 और 2, 1 और 4, 2 और 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। आत्महत्या के लिए दुर्खीम का अध्ययन हमें समझने में मदद करता है, समाज पर व्यक्ति की पकड़, ऑप्शन सेकंड, और विभिन्न समाजों में आत्महत्या की दर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के समाज के कार्यात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं केंद्रीय हैं। कार्य और रोग, संरचनात्मक तत्व और कार्यात्मक, विषय और उद्देश्य, अभिव्यक्त, प्रकट और अप्रकट, अव्यक्त कार्य। राइट आंसर बताइए। मर्टन के समाज के कार्यात्मक विश्लेषण में कौन सी अवधारणा केंद्रीय है। कार्य और रोग, प्रकट और अव्यक्त प्रकार। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनोव्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन बताना है। मालिनोव्स्की मुख्य रूप से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों के संदर्भ में कार्य की बात करते हैं। मालिनोव्स्की को कार्यात्मकवादी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अनुभवजन्य वास्तविकता से ग्रस्त हो गया था। मालिनोव्स्की का नृविज्ञान में एक शक्तिशाली प्रभाव बना हुआ है। मालिनोव्स्की सावधानी पूर्वक किए गए क्षेत्र अनुसंधान में लगातार मौजूद है। राइट आंसर बताइए। मालिनोव्स्की के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मालिनोव्स्की को कार्यात्मकवादी के रूप में वर्णित नहीं किया गया, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है मानव मन की मूल विशेषताएं सामाजिक संरचना की संभावित किस्मों का निर्धारण करती हैं। जीन पाल चार्ल्स नॉर्डेल मर्डॉक लेवी स्ट्रॉस। राइट आंसर बताइए। मानव मन की बात जो है सामाजिक संरचना के संदर्भ में लेवी स्ट्रॉस ने की थी, ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संस्कृत के संदर्भ में सही नहीं है। संस्कृत का तात्पर्य गैर भौतिकता से है जबकि सभ्यता भौतिक पहलुओं से है। संस्कृत और सभ्यता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संस्कृत संस्कारित होती है, संस्कृत वह है जो हमारे पास है, सभ्यता वह है जो हम हैं। राइट आंसर बताइए। कौन सा सही नहीं है। गलत कथन इसमें बताना है।
तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। संस्कृत वह है जो हमारे पास है और जबकि सभ्यता वह है जो हम हैं। तो ये ऑप्शन जो है उल्टा दिया गया है, ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर होगा। यहाँ पर होना चाहिए संस्कृत वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कामकाजी वर्ग के लोग तथा कथित मध्यम वर्ग की जीवन शैली और व्यक्तिवादी मूल्यों को अपनाते हैं। मध्यम वर्गीकरण, मोक्ष, सशक्तिकरण, अर्थोत्कर्ष। राइट आंसर बताइए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कामकाजी वर्ग के लोग तथा कथित मध्यम वर्ग की जीवन शैली और व्यक्तिवादी मूल्यों को अपनाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, मध्यम वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी भ्रष्टाचार विरोधी साधन है। संयुक्त राष्ट्र के सभी देश इसके पक्षकार हैं। इसमें निवारक उपाय, अपराधीकरण और कानून प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति की वसूली, तकनीकी सहायता और सूचना विनिमय जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ऑप्शन में है 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3। राइट आंसर बताइए क्या होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जो बताया गया, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी भ्रष्टाचार विरोधी साधन है और इसमें निवारक उपाय, प्राधिकरण, कानून प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति की वसूली और तकनीकी सहायता, सूचना विनिमय जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसने मानव विश्वास को एक प्रमुख कारक के रूप में स्पष्ट किया। हट्टन, इवेटसन, नेशफील्ड, रिजले। राइट आंसर बताइए। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में किसने मानव विश्वास को एक प्रमुख कारक के रूप में स्पष्ट किया। J.H. हट्टन ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तर्क देता है परिवार वे कारखाने हैं जो मानव व्यक्तित्व का उत्पादन करते हैं। टेलकॉट पार्सन्स, LH मॉर्गन, एडम स्मिथ, J.P. मर्डॉक। राइट आंसर बताइए। परिवार वे कारखाने हैं जो मानव व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये परिभाषा है टेलकॉट पार्सन्स की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बोर्न क्रिमिनल की अवधारणा दी। सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, टार्डे, गिलिन। बोर्न क्रिमिनल की अवधारणा किसने दी है। जन्मजात अपराधी लोम्ब्रोसो की अवधारणा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के सामाजिक क्रियाओं को सामाजिक अभिनेताओं के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक दर्शन और घटना, कल्चरोलॉजी और नृवंश विज्ञान, फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी, नौमार्क्सवाद और घटना। राइट आंसर बताइए। व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के सामाजिक क्रियाओं को सामाजिक अभिनेताओं के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा, फिनोमिनोलॉजी और एथनोमिथ्रोलॉजी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने औपचारिक तार्किकता के लौ पिंजरे की व्याख्या की। पैरेटो ने, हेबरमास ने, डेविस ने, मैक्स वेबर ने। औपचारिक तार्किकता के लौ पिंजरे की बात मैक्स वेबर ने की है। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्कृत एक संकेतक है, सामाजिक समानता का, सामाजिक असमानता का, सामाजिक न्याय का, विवरणात्मक न्याय का। सामाजिक संस्कृत एक संकेतक है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, सामाजिक असमानता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के लिए मानव क्षमता का एहसास होता है पूंजीवादी चरण के उत्पादों के दौरान, जब लोकतंत्र को संस्थागत रूप दिया जाता है, आदिम अवस्था के दौरान, उत्पादन में वस्तुकरण में, उत्पादन के वस्तुकरण में। राइट आंसर बताइए। मार्क्स के लिए मानव क्षमता का एहसास होता है, इसमें होगा ऑप्शन फोर राइट आंसर, उत्पादन के वस्तुकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को अभिविन्यास का परिवार और जनन का परिवार किसने विभाजित किया? लिंटन, मर्डॉक, आईपी देसाई, इरावती, कार्वे। परिवार को अभिविन्यास का परिवार और जनन का परिवार, ये दो तरह के परिवार किसके द्वारा बताए गए? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, जीपी मर्डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज नेटवर्क का प्रतीक है, मानवीय संबंध, सामाजिक संबंध, झुकाव, अंतर संबंध। समाज नेटवर्क का प्रतीक है। सामाजिक संबंध ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर की, हेनरी मैन की, प्लेटो की, अरस्तू की। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन है मैकाइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सियन समाजवाद के बारे में सही नहीं है? राज्य पीछे हट जाएगा, राज्य सभी के हितों को बढ़ावा देता है, अमीर और गरीब के बीच साथ राज्य नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा मार्क्सियन समाजवाद, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है समाजवाद के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, राज्य सभी के हितों को बढ़ावा देता है, यह ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों ने किस आधार पर समाज को श्रेणीबद्ध चरणों में विभाजित किया? प्रौद्योगिकी, उपकरण, जीवन यापन के साधन। प्रौद्योगिकी, आग का प्रयोग, पहिया का प्रयोग, जीने का साधन, अर्थव्यवस्था, जीने का साधन। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्रियों ने किस आधार पर राज्य को श्रेणीबद्ध, समाज को श्रेणीबद्ध किया है? राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्रियों ने किस आधार पर समाज को श्रेणीबद्ध चरणों में विभाजित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रौद्योगिकी, उपकरण, जीवन यापन के साधन। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक, आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।